हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति। ये क्रांति यूरोप के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस समय ये क्रांति लड़ी गई उस समय पूरा विश्व एक बहुत बड़े युद्ध की विभीषिका में जूझ रहा था। वो युद्ध था प्रथम विश्व युद्ध, यानी कि जिस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय रूस के अंदर एक क्रांति हुई, जिसे 1917 की रूसी क्रांति कहा जाता है। ये क्रांति 2 महीनों में हुई थी। पहली क्रांति मार्च में हुई और दूसरी नवंबर में। ये दो क्रांतियां अलग अलग नहीं थी, एक ही थी, लेकिन 2 अलग महीनों में हुई। अब जानते हैं इस रूसी क्रांति के कारणों के बारे में। पहला कारण है निरंकुश राजतंत्र। जिस समय ये क्रांति हुई उस समय रूस का शासक जार निकोलस सेकेंड था। जब ये राजा बना उसने सबसे पहले रूस की जनता से सुधार कार्यों का वचन दिया। ये कहा कि जैसे ही वो राजा बनेगा वहाँ ड्यूमा की स्थापना की जाएगी। ड्यूमा वहाँ की संसद का एक सदन थी। और ये भी कहा कि इस ड्यूमा में जो भी सदस्य होंगे वो जनता द्वारा ही चुने जाएंगे। अगर रूस के संसद के बारे में बात करें तो उस संसद में 2 सदन थे। पहला था ड्यूमा, जो कि वहाँ का पहला सदन था। दूसरा है साम्राज्य परिषद, जो कि वहाँ की संसद का दूसरा सदन था। लेकिन आगे चलकर इस जार निकोलस ने निरंकुश पद्धति अपनाना शुरू कर दी, यानी कि स्वेच्छाचारी नीतियाँ अपनाई। और आगे चलकर जुलाई 1906 में इस ड्यूमा को भंग कर दिया और जून 1907 में इस साम्राज्य परिषद को भी भंग कर दिया। यानी कि वो संस्था जो जनता का प्रतिनिधित्व करती थी उस जनता को जार निकोलस ने भंग कर दिया। इसके अलावा उसने मताधिकारों को सीमित कर दिया और केवल भूमिपतियों को ही निर्वाचन का अधिकार दिया। यानी कि मध्यम वर्ग और जो निचले वर्ग थे उनसे निर्वाचन के सभी अधिकारों को छीन लिया गया और जो भूमिपति थे जिनके पास अधिक संपत्ति थी उन्हें ही निर्वाचन के अधिकार दिए गए। इस क्रांति का दूसरा कारण है कृषकों और मजदूर वर्ग की स्थिति का दयनीय होना। उस समय रूस में कृषकों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। जो बड़े जमींदार थे वो कृषकों का निरंतर शोषण करते जा रहे थे। स्थिति ऐसी हो गई थी कि कृषकों को अपनी ही भूमि पर मजदूरी करनी पड़ रही थी। इसके अलावा कुछ भूमिहीन किसान थे, वो अपनी भूमि को छोड़कर औद्योगिक धंधों की तरफ पलायन कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जो पूंजीपति वर्ग था उन्होंने भी इन मजदूर वर्ग का बहुत फ़ायदा उठाया, इनसे अधिक से अधिक काम लिया लेकिन वेतन के नाम पर कुछ भी नहीं दिया। इस तरीके से वहाँ का जो निचला वर्ग था यानी कि जो कृषक वर्ग था और मजदूर वर्ग था उनकी स्थिति दिन पर दिन दयनीय होती चली जा रही थी। इस क्रांति का अगला पॉइंट है प्रबुद्ध वर्ग का प्रभाव। यानी उस समय कुछ ऐसे बुद्धिजीवी भी हुए जिनके विचारों ने रूसी जनता पर बहुत प्रभाव डाला और उनके अंदर ये भावना जगाई कि निरंकुशता का, ये जारशाही का तत्काल से अंत किया जाए। इन बुद्धिजीवियों में थे टॉलस्टॉय, मैक्सिम गोर्की और मार्क्स जैसे विद्वान। इन्हीं के विचारों से रूसी जनता में क्रांति की भावना उत्पन्न होने लगी। अगला कारण है प्रथम विश्व युद्ध में रूस का प्रवेश एवं आर्थिक संकट। इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और रूस ने इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से भाग लिया था। इस युद्ध में रूस का बहुत सा धन व्यय हो रहा था, जिसके कारण रूस के आंतरिक चीज़ें महंगी हो रही थी। जो प्रत्येक व्यक्ति की दैनिक इस्तेमाल की वस्तुएं होती हैं वो बहुत महंगी दामें महंगी होती जा रही थी। इसके अलावा खाने पीने की चीज़ों के दाम भी आसमान चूम रहे थे। तो इस तरीके से रूस के अंदर बहुत सारी चीज़ों का महंगा हो जाना और खाने पीने की चीज़ों की कीमतों का बढ़ जाना वहाँ की जनता में
तत्कालीन सरकार के प्रति रोष उत्पन्न कर रही थी। तो इन सब कारणों से वहाँ की जनता ने क्रांति कर दी। अब ये जानते हैं मार्च की क्रांति के बारे में। तो मार्च की जो क्रांति हुई ये रूस की राजधानी पेट्रोग्राद में हुई। अब इस क्रांति के घटनाओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले 7 मार्च को जनता जो कि भूखी प्यासी थी, जिसमें कृषक वर्ग थे और असहाय मजदूर थे जिन्होंने अपनी मजदूरी करने लगे थे, तो ऐसे निम्न वर्ग के लोग पेट्रोग्राद की सड़कों पर जुलूस निकालने लगे। इस जुलूस पर जार ने अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया, लेकिन सैनिकों ने अपनी राजा की आज्ञा नहीं मानी, अपनी राजा की अवज्ञा करनी शुरू कर दी। इस क्रांति की दूसरी घटना थी 8 मार्च को मजदूरों ने हड़ताल कर दिया, यानी कि जो मजदूर कारखाने में काम कर रहे थे उन्होंने कारखाना बंद कर दिया और वहां पर हड़तालें करनी शुरू कर दी, और साथ ही साथ एक नारा भी दिया, रोटी दो, युद्ध बंद करो, अत्याचारी शासन का नाश हो। ये नारा लगाकर ये भी सड़कों पर उतर आए। अगली घटना थी 11 मार्च को राजा ने ड्यूमा को भंग कर दिया, यानी उस संस्था को भंग कर दिया जिसमें जनता के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। तो राजा ने ड्यूमा को भंग कर दिया। अगली घटना थी 13 मार्च को मजदूरों ने राजधानी पर यानी कि पेट्रोग्राद पर अधिकार कर लिया। इसके बाद 14 मार्च को एक अस्थाई सरकार बनाई गई। इस अस्थाई सरकार में रोजी याको की कार्यकारिणी सभा, ये रोजी याको ड्यूमा का ही एक सदस्य था, तो इसके नेतृत्व में जो कार्यकारिणी सभा थी वो प्लस पेट्रोग्राद की सोवियत की कार्यकारिणी सभा, इन दो सभाओं को मिलाकर एक अस्थाई सरकार का निर्माण किया गया और इस सरकार का नेता प्रिंस लवाव को बनाया गया। जब स्थिति बेकाबू हो गई तब जार ने 15 मार्च को अपना सिंहासन त्याग दिया और इस प्रकार मोरानोफ नामक राजवंश के अंतिम शासक जार निकोलस का राज्यकाल समाप्त हो गया, यानी कि जार शाही के जगह पर एक अस्थाई सरकार आई जिसका नेता प्रिंस लवाब था। इस अस्थाई सरकार ने अपना एक मंत्रिमंडल बनाया। इस मंत्रिमंडल का प्रधान नेता था प्रिंस लवाब, युद्ध मंत्री था गुचकोव, विदेश मंत्री था मिल्यूकोव और न्याय मंत्री था करेंस्की। मित्र राष्ट्रों ने भी इस अंतरिम सरकार को मान्यता दी। मित्र राष्ट्र वो थे जो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की तरफ से युद्ध में भाग ले रहे थे। जैसे ये सरकार बनी उसने कुछ घोषणाएं की। सबसे पहले उसने ये घोषणा की कि राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाएगा और जिन लोगों को रूस देश से देश निकाला दे दिया गया है उन्हें फिर से रूस में वापसी की अनुमति दी जाएगी। अगली घोषणा ये की कि इसके पहले जार ने जिन भाषणों लेखन और प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था इस सरकार ने उन सभी को स्वतंत्र कर दिया, यानी जो भी प्रतिबंध लगे थे उनको हटा दिया और मजदूरों को संघ बनाने का अधिकार दिया गया। इसके पहले मजदूर कोई भी संघ नहीं बना सकते थे। इसके अलावा मृत्युदंड को समाप्त किया गया और पुलिस के अधिकारों को सीमित कर दिया गया। पुलिस अब किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से बंदी नहीं बना सकती थी। अगला जो उसने घोषणा की वो ये थी कि उन सभी कानूनों को रद्द कर दिया जो यहूदियों के विरोध में लाए गए थे। उस समय रूस में कई देशों के लोग रह रहे थे, तो जार ने इन लोगों के खिलाफ कुछ प्रतिबंध लगाए हुए थे, लेकिन नई सरकार के आते ही इन सभी पर से प्रतिबंध हटा लिए गए। अस्थाई सरकार के सामने भी कई सारी समस्याएं थी, जिनमें से मुख्य समस्या है युद्ध संबंधी कठिनाई, यानी कि युद्ध की घोषणा को लेकर भी कई लोगों में मतभेद था। जो सैनिक वर्ग था वो ये नहीं चाहता था कि नई सरकार युद्ध को जारी रखे, लेकिन नई सरकार युद्ध को जारी रखना चाहती थी। जैसे ही नई सरकार ने युद्ध की घोषणा की
तत्कालीन विदेश मंत्री मिल्यूकोव ने और गोचकोव ने, जो कि युद्ध मंत्री थे, इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद करेंस्की, जो कि उस समय न्याय मंत्री थे, इन्हें युद्ध मंत्री बनाया गया, यानी कि नई सरकार ने युद्ध को जारी रखने की घोषणा की। अगला है सत्ता को दृढ़ीकरण रखना। इस समय जो सत्ता थी वो उदारवादी लोगों के हाथों में थी, लेकिन जो श्रमिक वर्ग था वो सत्ता अपने हाथों में लेना चाहता था। तो इस अस्थायी सरकार का अस्तित्व बचाना भी उस समय इस सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। अगली समस्या थी मजदूरों और किसानों द्वारा अस्थायी सरकार का विरोध करना। ये जो मजदूर वर्ग थे, किसान वर्ग थे, ये इस अस्थायी सरकार के विरुद्ध संगठन बनाकर रूस के जगह जगह पर जाकर इस अस्थायी सरकार का विरोध करते थे। और कुछ श्रमिकों ने, जो कि उस समय कारखानों में काम कर रहे थे, उन्होंने वहाँ पर हड़तालें करना शुरू कर दिया। तो ये कुछ मेन समस्याएं थी अस्थायी सरकार की।